सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर में आप कैसे ऐड कर सकते हैं ग्रीन कलर का डबल डेकर एक्सप्रेस। और गाइस साथ साथ में मैं आपके लिए एक और न्यू लोकोमोटिव लेके आया हूँ जो कि है स्विगी के लिवरी का वेब सेवन आप कैसे ऐड कर सकते हो अपने इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर में। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, वापस से स्वागत का मेरे चैनल में। और अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हम लोग खेल जा रहे हैं इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर में आप कैसे ऐड कर सकते हैं ग्रीन कलर का डबल डेकर एक्सप्रेस और साथ साथ में स्विगी का वेब 7 लोकोमोटिव आप कैसे ऐड कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ITS में कैसे ऐड कर सकते हो पुराने वर्जन में। तो यहाँ पे हमारा जो गेम है लोड हो रहा है, तो लोड होने के बाद में आप लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का डबल डेकर एक्सप्रेस है यहाँ पे। और मैं लोकोमोटिव को स्टार्ट कर देता हूँ और गेट्स खोल देता हूँ मैं। चलो अब बंद करता हूँ और यहाँ से डिपार्ट करते हैं। और वहाँ देखिए दूर में एक और P7 के साथ एक नॉर्मल IC ट्रेन है जो कि यहाँ से डिपार्ट कर रही है हमारे साथ में। पैरेलल रन चल रही है, ये देखो यार पैरेलल रन आपको कैसा लग रहा है, काफ़ी मस्त पैरेलल रन चल रहा है दोनों ट्रेन के बीच में, ICF ट्रेन वर्सेस ग्रीन कलर डबल डेकर एक्सप्रेस। तो यार ये डबल डेकर ग्रीन कलर का डबल डेकर भी आपका एविटेंट भाई को एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इस मोड को भी बनाया है ग्रीन कलर का डबल डेकर और साथ साथ में स्विगी का वेब 7, ठीक है ना। तो यार मैंने अभी किया है ग्रीन कलर का डबल डेकर, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा स्विगी का वेब 7 भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने स्विगी के वेब 7 को ऐड नहीं किया है, लेकिन सेम ही प्रोसीड्योर जो कि आज तक मैंने आपको कैसे करना है मोड्स को ऐड, वही सेम ही प्रोसेस है, बस मोड्स आपके अलग है उसमें, लेकिन सेम ही प्रोसीड्योर इंस्टॉल करने के लिए। पासवर्ड भी उसमें मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कंप्रेस्ड बाय एविटेंट की जगह मतलब कंप्रेस्ड बाय एविटेंट यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, मतलब ये लोग मतलब पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको इसलिए वीडियो पूरा देखना पड़ता है लास्ट तक, ठीक है ना। इवन आपका जो स्टेप्स हैं पूरे मतलब सेम ही हैं एज इट इज़ ही हैं, लेकिन तब भी आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो पासवर्ड है फाइल का वो अलग हो सकता है, चेंज किया उसमें। तो यार यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हमारी जो ग्रीन कलर की डबल डेकर है हमारा कोटा जंक्शन पे आ चुके हैं। और तो गाइस यहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे दिया जा रहा है सवाई माधोपुर के, मतलब हमको यहाँ पे रुकना नहीं है, लेकिन हमको मथुरा जंक्शन पर सीधा जाना है, लेकिन हम लोग कोटा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। चलो यहीं पर रख देता हूँ मैं आज का गेम प्ले या इस ग्रीन कलर के डबल डेकर का। तो यार अब मैं आपको बताता हूँ आप इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर में कैसे ऐड कर सकते हो ग्रीन कलर का डबल डेकर का। मैं आपको पहले प्रोसीड्यूर बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा स्विगी का वेब 7। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने एविटेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यार यहाँ पे हमारा दिखा रहा है ऐड न्यू डबल डेकर कोच इन इंडियन ट्रेन सिम्युलेटर एंड्रॉयड। तो यार यहाँ पे आपको बड़ा सा डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे तो आपको इमेजेस दिखा नहीं रहा है। जब हम लोग कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करेंगे, तो कंटिन्यू रीडिंग पे एक बार हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा तब भी इमेज क्यों नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपने मेरे गेम प्ले में देखा होगा कि ऐसा कुछ लगता है आपका डबल डेकर एक्सप्रेस ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे आपको नीचे जाना, नीचे जाने के बाद में आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, तो डाउनलोड के बटन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका A-Fly वाला जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा, और वहाँ पे आपको नीचे जाने के बाद में आपको ई कैप्चा का पूछेगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा सॉल्व हो रहा है रिकैप्चा, बस टिक होने वाला आई एम नॉट अ रोबोट पर हो चुका। और उसके बाद में आपको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद में आपको कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करना है। सॉरी हाँ, तो गाइस यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करना है। तो कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद में आपका नेक्स्ट पेज रीडायरेक्ट होने वाला है।
उसके बाद में आपका गाइस नेक्स्ट पेज आएगा, और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आपको नेक्स्ट पेज का बटन दिखाई दे रहा होगा, मतलब अभी थोड़ी देर बाद दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे हमको नीचे में दिखा रहा है नेक्स्ट पेज का बटन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज में जब आपने क्लिक किया तो आपका नेक्स्ट पेज आएगा, तो यहाँ पे भी आपको नीचे जाना है और लास्ट पेज का बस थोड़ी देर बाद में आपको बटन दिखने वाला है। तो जैसे ही दिखे मैं आपसे मिलता हूँ। तो यार यहाँ पे हम लोग हमारा आ चुका है लास्ट पेज का बटन, तो लास्ट पेज पे आपको क्लिक करना है लास्ट पेज के बटन पे। तो यहाँ पे आपका लास्ट पेज आ चुका है, तो यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आपका 14 सेकेंड्स का वेटिंग कराएगा, तो जैसे ही 40 सेकेंड्स हो मैं आपसे मिलता हूँ। गाइज यहाँ पे हमारा 0 सेकेंड हो चुका है, यानी कि गेट लिंक पे आपको क्लिक करना है। हमारा जो लिंक है रेडी हो चुका है, गेट लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मीडिया फाइल आपका खुल जाएगा। यहाँ पे फाइनली हमारा फाइल दिखा रहा है न्यू एसी डबल डेकर, क्लिक करो डाउनलोड कर देगा। तो चलो गाइज जैसे ही डाउनलोड हुई मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मेरा एसी डबल डेकर का मेरे पास एक और फाइल है, तो यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड किया था ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल भी है। तो जब आपका डाउनलोड हो, तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो जब आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जेट आती हुआ आपका खुलेगा, तो उसके पहले व्यू करने से पहले आपका पासवर्ड पूछेगा, जो कि है कंप्रेस्ड बाय एविटेंट। तो ये ओके पे आपको क्लिक करना है। सॉरी मिट कैसे गया यार, कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड बाय एविटेंट। चलो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कोच 12.asset बंडल्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कॉपी पे आपको क्लिक करना है, एंड्रॉयड डेटा और com.hyperinteractive.indiantransim वाला फोल्डर ढूंढना है। उसके बाद में फाइल्स में जाना है, एसेट्स में जाना है, कोच इन्फो में जाना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट हो रहा है फाइल, और ये रिप्लेस करने को पूछे तो रिप्लेस करने का परमिशन दे देना। तो रिप्लेस हो चुका हमारा, और यहाँ पे हमारा फाइनली ITS में ऐड हो चुका है AC डबल डेकर न्यू वाला ग्रीन कलर का। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ स्विगी का वेब 7 स्विगी लोकोमोटिव आप कैसे ऐड कर सकते हो अपने ITS में। सो गाइस यहाँ पे हमारा आ चुका है ऐड स्विगी लोकोमोटिव इन इंडियन ट्रेन सिमुलेटर एंड्रॉयड। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करना है, तो कंटिन्यू रीडिंग पे आपको क्लिक करने के बाद में आपको मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स है इसका, आपके पास वेब P7 अनलॉक होना चाहिए, इसमें वेब P7 आपका अनलॉक होना चाहिए तभी आपका ये वर्क करेगा मोड, और साइज इसका 5.8 MB। तो यहाँ पे आपको इमेजेस दिखा रहा है, कुछ ऐसा लगता है आपका स्विगी का वेब 7। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, ये फ्लैग आपका लोड होगा, और नीचे जाने के बाद में आपको रिकैप्चा का पूछेगा यहाँ पे, अभी पूछ नहीं रहा है लेकिन अभी दिखाई देगा हमको थोड़ी देर बाद। सो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपने आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक किया, यहाँ पे हमारा टिक हो चुका है, और नीचे जाने के बाद में आपको कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज हमारा रिटाइप हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज आ चुका है, और नेक्स्ट पेज के आने के बाद में सबसे नीचे में जाओ, और सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा, मतलब अभी दिखने ही वाला है नेक्स्ट पेज का बटन। तो यार बस नेक्स्ट पेज का बटन दिखने ही वाला है हमको। तो ये नेक्स्ट पेज का बटन दिख चुका है, क्लिक करो उसके ऊपर में तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पेज में आपको लास्ट पेज का बटन दिखेगा, तो लास्ट पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है, अभी बस दिखने ही वाला है। तो यहाँ पे बस हमको दिखने वाला है हमारा लास्ट पेज का बटन दिख चुका है, अब क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में आपका लास्ट पेज खुलेगा, तो लास्ट पेज के बाद में यहाँ पे आपको नीचे जाने, और नीचे जाने के बाद में 14 सेकेंड्स का वापस से वेट कराएगा।
8 सेकंड बाकी है लिंक रेडी होने में। 0 सेकंड हो जाएगा यानी कि लिंक हमारा रेडी हो चुका है। और नीचे जाने के बाद में गेट लिंक का बटन दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा फाइल आ चुका है, स्विगी वेब P7 साइज़ 5.28 MB। क्लिक करो उसके ऊपर में तो डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो यार यहाँ पे हमारा फटाफट डाउनलोड हो रहा है, फटाफट इतनी जल्दी भी डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका इंजन 7.asset बंडल्स कॉपी एंड्रॉयड डेटा यहाँ पे com.hybrid-interactive.indian-trainsim फाइल्स एसेट्स इंजन इन्फो एंड गाइस यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पासवर्ड इज कंप्रेस्ड बाय एबिटेंट, चेक करते हैं एक बार सही है कि नहीं। सही है। और यहाँ पे हमारा रिप्लेस करने को पूछ रहा है तो रिप्लेस करने का परमिशन दे दो और रिप्लेस कर दो। और यहाँ पे हमारा फाइनली ITS में स्विगी का वेब P7 भी ऐड हो चुका है। चलो मैं आपको स्विगी वेब 7 का भी एक गेम प्ले दिखा देता हूँ। सो गाइस अगर आप लोग इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को रिसेंट खेल रहे हैं तो उसको आप रिसेंट ऐप से हटा के वापस से लोड कीजिए। अदरवाइज अगर आपने रिसेंट ऐप से नहीं हटाया तो आपका वर्क नहीं करेगा आपका वर्क मोड। पहले आप अपने रिसेंट ऐप से हटा के फिर वापस से रीलोड करो उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कस्टम मोड में जाते हैं, P7 लेते हैं, डबल डेकर और यहाँ पे स्टार ट्रिप स्विगी का लोकोमोटिव प्लस ग्रीन कलर का डबल डेकर एक्सप्रेस। तो बस गेम लोड होने वाला है, बिल्कुल छोटा सा गेम से दिखा के वीडियो को एंड करूँगा। ये देखो स्विगी का वेब 7 दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए स्विगी का वेब 7 के साथ में हमारा ग्रीन कलर का डबल डेकर। तो चलो लोकोमोटिव को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे डोर्स हमने खोल दिए हैं, बंद करते हैं, डिपार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये देख लो सामने से देख लो हमारी P7 यानी कि स्विगी का वेब 7, स्विगी वेब 7 के साथ में ग्रीन कलर डबल डेकर एक्सप्रेस। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो मिनिमम ऑर्डर, तो नो मिनिमम ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप ऑर्डर करते हो स्विगी से तो आपको कोई मिनिमम डिस्काउंट नहीं मिलता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो मिनिमम ऑर्डर हमारे लोकोमोटिव में एज इट इज़ अ स्विगी लोकोमोटिव। तो यार यहाँ पे देख लो हमारे साथ में गुड्स ट्रेन के साथ में एक पैरेलल रन चल रहा है जिसका कि लोकोमोटिव है WDM-3D। तो हम लोग 100 के स्पीड में आ चुके हैं, 100 के पार हम लोग आ चुके हैं। और ये देखो वेब 4 के साथ में ICF ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो चलो आग में आ जाते हैं, उसके बाद में हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। तो यार आग में बस आ चुके हैं हम लोग और सामने 100 मीटर के बाद में हमारा आ चुका है आराक्रम स्टेशन। चलो यहाँ पे अभी बस रुकने वाले अपने ट्रेन को और देखते कौन से प्लेटफॉर्म में हमको दिया जाता है हमको आराक्रम स्टेशन के। तो चलो यहीं पे अपने ट्रेन को रोक देते हैं और यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आज के आराक्रम के। तो यार इतना ही था आज का वीडियो, मेरे को आपको इतना बताना था कि मैंने एक न्यू मोड लिया जो कि स्विगी वेब 7 के साथ में ग्रीन कलर का डबल डेकर आप ऐसे ऐड कर सकते हो ITS में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और किससे आज के लिए कमेंट में बताना और अच्छा लगा एक लाइक से ठोक के जाना और अगर मेरे चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।